हेलो दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। समाकलन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम सवाल लगाए हैं 7.2 में, उसमें जो है अब जो है एक्सरसाइज जो 7.3 के लिए आज हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि एक्सरसाइज जो है 7.3 के सवाल कैसे हल होंगे। देखिए, एक्सरसाइज जो 7.3 है, बहुत बच्चे ने कमेंट किया है कि सर आप जो हिंदी में पढ़ाइए। देखिए, हिंदी में पढ़ाएंगे मतलब है बुक अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मैं बुक मार्केट में गए थे लेने, था नहीं। लेकिन आपको सवालों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। ये जो लिखा है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, हिंदी में लिखा रहेगा कि निम्नलिखित फलनों का समाकलन ज्ञात करिए, बस इतना ही अंतर रहेगा। बाकी सारा चीज़ जो है, क्वेश्चन अगर 24 क्वेश्चन उसमें है तो 24 क्वेश्चन इसमें है, तो 24 क्वेश्चन उस वाले बुक में भी है। मतलब ये कुल मिला के जो है समाकलन करना है। तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वो घुमावदार नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक क्वेश्चन जो है समाकलन ही करना है, बाकी ये जो है ऑब्जेक्टिव है। तो एक्सरसाइज जो है 7.3 के लिए जो आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कैसे जो है इस एक्सरसाइज के सवालों को हम हल करेंगे। दोस्तों, अभी तक जो समाकलन में बताया गया 7.1 और 7.2 में, हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को एकदम क्लियर हुआ होगा। बहुत मैंने अच्छी तरह से इसको बताया है, एक एक सवालों को हल किया है। उसी तरह से हम जो एक्सरसाइज 7.3 में भी वही काम करेंगे, लेकिन इसे दो हिस्से में बनाया जाएगा। एक तो आज कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि क्या क्या करना है, फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज में हम आएंगे, ठीक ना। अब कुछ नए फार्मूले और आपको ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कहने का मतलब है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है टेन एक्स था, लेकिन टेन एक्स का आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से कुछ फंक्शन का, फलनों का हम समाकलन आज सीखेंगे। इससे पहले ये सारे सवाल आपको तभी हल हो पाएंगे जब कक्षा 11 की बुक का जितना भी फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा यूज होगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसीलिए मैं पहले दिखा दे रहा हूँ, और आप एक बुक पे या एक नोट्स पे जो है कक्षा 11 के जो ट्रिग्नोमेट्री है आप उसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो सवाल जो है एक्सरसाइज 7.3 का नहीं लग पाएगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। देखिए, एक फार्मूला है कि साइन सी प्लस साइन डी इजक्ल टू, आप पढ़े हैं, 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2। देखिए, हर जगह c + d/2, c - d/2, यहाँ पे c + d/2, सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी, देख लीजिए। तो सिंपली ये कॉस यहाँ पे आ जाता है, शाइन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है कि 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2, और कॉस सी माइनस कॉस डी होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 2 sin c + d/2 इंटू sin c - d/2। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा, उससे भी ज़्यादा यूजफुल है ये आपका चार फार्मूला, ठीक ना। पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, तीसरा और ये चौथा फार्मूला कि 2 sin a × cos b। देखिए, यहाँ पे इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या अंतर है कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ये सम के रूप में है तो इंटू हो रहा है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे सम और डिफरेंस के रूप में है तो यहाँ पे इंटू हो रहा है, और यहाँ पे इंटू यानी कि गुणा के रूप में है तो ये जो है सम के रूप में किया जा रहा है, ठीक वहाँ उल्टा हो रहा है। 2 sin a × cos b, तो साइन ए प्लस बी यानी कि ये दोनों एंगल का सम, फिर प्लस दोनों एंगल का डिफरेंस, ठीक है। 2 cos × sin b होगा तो फिर दोनों एंगल का सम यानी कि साइन ए प्लस बी, सिर्फ बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस फार्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए, मैं पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है इसी 8 फार्मूले पे लगा देंगे हम। कुछ फार्मूले और आपको मिलेंगे, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है तभी ये सवाल जो है आप हल कर पाएंगे इस एक्सरसाइज के। जैसे cos 2a का फार्मूला 4 होता है, क्लास 11th में खूब पढ़े होंगे कि जो cos 2a सबसे ज़्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2a का जो 4 फार्मूला होता है कि 2 cos² a - 1, एक ये चीज़ हो गया, 1 - 2 sin² एक ये हो गया, फिर क्या होता है ये 1 - 10² a / 1 + 10² a, एक फार्मूला ये भी होता है। तो cos 2a जो है 4 फार्मूले के बराबर है। sin 2a का फार्मूला 2 sin a × cos a, तो मैंने यहाँ पे देखिए फार्मूला लिख भी दिया है, आप देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए, sin² θ + cos² θ = 1, ये सब तो आप जानते हैं, sec² θ = 1 + tan² θ, cosec² θ = 1 + cot, ये सारे फार्मूले जो है एक्सरसाइज 7.3 में
यूज होगा, ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा था बताने का तो इसलिए बता दिए, ठीक ना। और ये जो है हम पार्ट वन में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने छोड़ा, प्रतिलोम वाला जो चैप्टर है, उसमें भी ये सारे फार्मूले यूज होंगे। और मैं संडे को जो है वीडियो बनाने वाला हूँ इनवर्स वाला, तो आप इसमें भी ये फार्मूले यूज होंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज 7.3 में कुछ जो है क्वेश्चन करते हैं कैसे क्या होगा। एक सवाल है, इंटीग्रेशन आपको करना है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, ठीक है। अभी तक आप जो पढ़े हैं कि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है कॉस एक्स का, यानी कि कॉस एक्स डी एक्स, इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स होता है, सभी को पता है, बहुत बार आ चुका है। लेकिन अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि कॉस एक्स का अगर समाकलन जो है साइन एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन साइन स्क्वायर एक्स होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि बहुत बच्चे सोच सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स जो डी एक्स है इसका समाकलन जो है साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे। हम तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन आखिर में होगा क्या, तो किसी तरह से हम ये बनाएंगे, इसको कॉस एक्स के फॉर्म में लाया जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो कॉस टू एक्स का जो चार फार्मूला है तो उसमें जो पहला फार्मूला है कॉस टू एक्स का कि टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, देखिए यहाँ से इस आइडेंटिटी से हम जो है कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस वन इधर है, इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स, ये जो चीज़ है टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। टू इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर ला देंगे, तो वन प्लस जो है कॉस टू एक्स बाई टू, ये जो चीज़ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये जो है यानी कि जो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसका जिसका समाकलन करना है, ये कॉस स्क्वायर एक्स जो है कुछ नहीं है, वो वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू के बराबर है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन करने का मतलब है कि आप समाकलन करिए वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू का, ठीक है। इस तरह से जो आपको प्रति ये देखिए एक तरह से प्रतिस्थापन का ही काम हो रहा है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी या जो सर्व समीकरण हम बताए हैं वो यूज होगा। बहुत पूरा एक्सरसाइज जो 7.3 इसी से चलेगा, इसलिए मैंने फार्मूले को बहुत जोर दे के बताया कि हाँ इसको आपको करना ही पड़ेगा। तो जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 10 से 11 में पढ़े हैं सब एक जगह लिख डालिए फार्मूला, ठीक ना। तो ये जो चीज़ है लिख दिया, टू जो है हमको पता है कि कॉन्स्टेंट है तो इस समाकलन से बाहर आ जाएगा चूँकि बटे में है, तो ये जो चीज़ हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, ठीक ना। अब जो है एक समाकलन क्या हो जाएगा, वन बाई टू तो बाहर रहेगा, वन का समाकलन बहुत आसान हो गया एक्स हो गया, कॉस टू एक्स का समाकलन, कॉस टू एक्स डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, इसको देखिए साइन टू एक्स होगा, और आपको हम बता दे रहे हैं कि ये जो टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, टू एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टू आएगा, उसको बाई टू लिख दीजिएगा, ठीक ना। जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये जो है आपका समाकलन हो गया कॉस स्क्वायर एक्स का। तो ये जो है हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ करके निकाले हैं, ठीक ना। तो कॉस टू एक्स का जो फार्मूला है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। अभी देखिए इसी तरह से एकदम सिमिलर वे में हम समाकलन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का। तो कैसे जो है आप देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है उसका यूज करके इन तमाम फंक्शन का ये समाकलन जो है किया जाएगा। हम एग्जांपल एक्सरसाइज में तो नहीं आ रहे हैं, कुछ एग्जांपल अपने से कर रहे हैं। देखिए सारे जो हैं ये आते भी हैं एग्ज़ाम में, देख जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, क्वेश्चन नंबर 17 बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर 18, ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप ये फार्मूले जो कक्षा 11 में हैं हमने पढ़े हुए, अगर वो आपको नहीं पता है, एक जगह नोट नहीं कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज के सवाल आप नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो बहुत ज़रूरी है कि कक्षा 11 की किताब को ढूंढिए, अगर खो गई है तो किसी दोस्त से लीजिए, अगर किताबों के बीच में दब गई है तो उसको निकालिए, ढूंढिए और नोट करिए फार्मूला। वैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, आप एक बार चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आइए हम करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन। फिर यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि साइन एक्स का समाकलन तो आप अभी तक करते आए हैं, साइन एक्स का समाकलन क्या है भाई, यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं
साइन एक्स का जो समाकलन है साइन एक्स डी एक्स वो माइनस कॉस एक्स है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है तो होगा कैसे, तो देखिए फिर से यही जो है ये कॉस टू एक्स का फार्मूला फिर यूज होगा। कॉस टू एक्स का जो चार फार्मूला होता है, एक तो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन ये यूज हुआ, ये फार्मूला होता है वन वन पहले आता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी जो फार्मूला होता है कॉस टू एक्स का ही होता है। तो ये यहाँ पे कॉस टू एक्स जो है, देखिए यहाँ पे इस आइडेंटिटी से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू जो है निकालेंगे आप, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा कि इसका फार्मूला का क्या उपयोग है। कॉस टू एक्स जो है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से हम जब निकालेंगे ये जो है टू कॉस एक्स, इसको इधर ला दीजिए, ये जो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स है इसको इधर ला दीजिए बराबर के, माइनस तो प्लस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स, वन पहले से कॉस टू एक्स को बराबर से उधर भेज दीजिए तो वन माइनस कॉस टू एक्स, ठीक ना। थोड़ा सा एक स्टेप हम इसमें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स तो वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करने का मतलब है कि आप वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू का समाकलन करिए, क्योंकि जो साइन स्क्वायर एक्स है वो कुछ नहीं है वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू है। इस तरह से जो है हमारा साइन स्क्वायर एक्स कन्वर्ट हो गया वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू यहाँ पे डी एक्स। अब तो समाकलन जो है बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ पे टू जो है ये बाहर निकल जाएगा, ये वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब जो है समाकलन देखिए, ये यहाँ पे वन बाई टू, वन का समाकलन बहुत आसान है एक्स है, कॉस टू एक्स का समाकलन यहाँ पे हो जाएगा साइन टू एक्स, यहाँ पे टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टू आएगा, उसको डिवाइड कर दीजिए, ये पूरा एक इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जो सी लगा देना है, तो इस तरह से समाकलन हो गया। आप चाहें तो इसमें वन बाई टू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो चीज़ हो जाएगा एक्स बाई टू ये माइनस वन बाई फोर साइन टू एक्स प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि देखने में तो बहुत छोटा सवाल है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, बच्चों को एकदम समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत होगा इसका, तो इस क्वेश्चन की जो शुरुआत है यहाँ से होगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, यानी कि कॉस टू एक्स का जो फार्मूला है वो यहाँ से यूज होगा और जो तब आप कर पाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला भी लिख दिया है कॉस टू एक्स का, चार फार्मूले होते हैं लेकिन इसमें जो स्टार स्टार हम लगाए हैं ये ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। फार्मूले तो बहुत हैं लेकिन जो यूज होता है सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज 7.3 में। अब आपको हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप करना पड़ेगा, ये एक एग्जांपल है कि साइन टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स का समाकलन बताइए। साइन टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स का समाकलन बताना है, तो देखिए अगर ये जो है अगर कॉस थ्री एक्स नहीं होता सिर्फ साइन टू एक्स डी एक्स होता तो समाकलन हो जाता, या तो अगर सिर्फ कॉस थ्री एक्स होता तो समाकलन हो जाता, लेकिन ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और ऐसा कोई रूल हम पढ़े नहीं है कि जब फंक्शन मल्टीप्लाई यानी कि यू इंटू भी के रूप में होता है तो उसका कैसे समाकलन होता है, जबकि हमने अवकलन में बताया है कि अगर फंक्शन यू इंटू भी के रूप में हो तो कैसे उसका अवकलन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। इसे जो है इस सवाल को हल करने के लिए आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो चीज़ है, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी एकदम जो है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे देखिए ये जो है साइन ए इंटू कॉस बी काम करेगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे टू नहीं है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा अपने मन से टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टू फार्मूले पे बैठाने के लिए टू साइन एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, टू का मल्टीप्लाई किया है तो टू का हम डिवाइड कर देते हैं। मैथमेटिकली देखा जाए तो अगर दो का मल्टीप्लाई करते हैं दो का डिवाइड करते हैं तो ये जो है टू से टू कट जाएगा तो ये पुराना वाला आ जाएगा, ठीक ना। ये जो चीज़ है कुछ नहीं है, ये पहला वाला ही लिखा हुआ है, लेकिन क्या होगा कि टू साइन टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स करने पे इस फार्मूले पे आ जाएगा,
टू साइन ए इंटू कॉस बी, ये जो है पूरा ए का काम करेगा, और ये जो 3x है पूरा b का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ कि टू साइन ए इंटू कॉस बी जो फार्मूला है, एक बार हम एकदम फार्मूले पे ही सवाल लग पाएगा। ये जो चीज़ होगा दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, यानी कि ए और बी है, यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस बी, दोनों एंगल को घटा दीजिए, यानी कि ए प्लस बी कर दीजिए प्लस दोनों एंगल का डिफरेंस, ठीक ना। ये पूरा ए होगा, ये पूरा बी होगा, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी पे ये जो है टूटेगा। टू तो नीचे है, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ फार्मूला लगेगा टू साइन साइन ए प्लस बी, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ए प्लस बी यानी कि 2x+3x प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस ये जो चीज़ है पूरा बाहर dx हो जाएगा, ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक ना। ए की जगह 2x, बी की जगह 3x। ये जो आपको हम फार्मूला बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है अगर आपको नहीं पता है तो ये इस चैप्टर का सवाल नहीं लग पाएगा, और अक्सर एग्जाम में पूछता भी है कि 2x+3x कितना हो जाएगा, sin 5x। देखिए 2x में से -3x घटाएंगे तो -x आएगा, और साइन -θ जो होता है -sin θ हो जाता है। ये कहाँ से आया है, ये आपको पता है कि साइन में जब -θ होता है तो ये बाहर माइनस आ जाता है, केवल कॉस और सेक में नहीं होता है, ठीक ना। तो अब देखिए समाकलन कितना आसान हो गया, sin 5x का समाकलन अलग कर देंगे और sin x का समाकलन अलग कर दीजिए। sin 5x का समाकलन ये जो हो जाएगा -cos 5x, फिर 5x का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए तो 5 आएगा, तो 5 डिवाइड कर दीजिए। sin x का फिर से समाकलन, तो -cos x, माइनस पहले से पड़ा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x ये जो है +c, ठीक है। तो i = क्या हो जाएगा, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 5 10 cos 5x, ये जो चीज़ है 1/2 cos x+c, ये जो पूरा का पूरा समाकलन हो गया। बार बार हम बोल रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट बहुत बच्चे नहीं लगाते हैं एग्ज़ाम में, तो एग्जामिनर जो है नंबर काट लेते हैं, पता चला आपने पूरा समाकलन सही किया है, झूठ मूठ का आपका आधा नंबर एक नंबर कट गया, बेमतलब का, जहाँ पे आपका नहीं करना चाहिए था। आप जो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट जरूर लगाया करिए। चलिए, तो इस तरह से आपको समझाया होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं, जो आइडेंटिटी हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है, उसे एक जगह नोट कर लीजिएगा, एक रफ कॉपी पे, एक पन्ने पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग से नोट कर लिया है, ठीक ना। ये पूरा फार्मूला, और यहाँ सबसे ज़्यादा यही यूज होगा, मैं बता दूँ, ये जो लास्ट के चार फार्मूला हैं ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। मैं इसे एक, तो सारे बच्चों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा का पूरा फार्मूला तैयार रखें, तब जाके एक्सरसाइज जो है हम 7.3 में इंटर करेंगे, और 7.3 में लगभग मुझे लग रहा है कि केवल एक दिन में ही जो है 24 क्वेश्चन है, तो एक लेक्चर में जो है पूरा का पूरा वीडियो बन जाएगा। एक एक सवाल हम करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से सवाल, देखिए ये कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जो है सवाल को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक्सरसाइज 7.3 के लिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो हर एक्सरसाइज के लिए एक अलग अलग तरीका है, अलग अलग मेथड है उसको करने का, वो हम सीख रहे हैं। अभी तक जो है ये हम सब्स्टिट्यूशन में प्रतिस्थापन विधि का ही मामला सब चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 7.4 के लिए हम लोग इंटर करेंगे, बहुत तरह के फंक्शन का समाकलन हमें पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि अगर हम स्किप कर देंगे तो जल्दी 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 बता के हम चले जाएँ, चलो हो गया कोर्स ख़त्म, तो वो भी एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी जिसमें आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।